चलिए भैया अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये इस तरह से बेटा सिंगिंग फंड की ये प्रॉब्लम बनेगी आपकी। नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद मैं प्रोपर्चिटी बता देता हूँ आपको, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड रुपीज 3 लाख ही पेड रुपीज 50,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। एंड बैलेंस्ड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट 12% पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअल। इन 10 ईयर्स फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। हमें ये निकालना है कि उसका इंस्टॉलमेंट कितना है। बेटा 50,000 तो उसने दे दी, बचा कितना? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख इसका आपका जो है प्रेजेंट वैल्यू होगी। एन्यूटी निकालनी है 1 माइनस 1.12 की पावर -10 अपॉन 0.12। निकालना कितना? क्या री वैल्यू? 44,000 2406.04 44,000 2446 2446.04 46.04 तो 24,000 2400 बोल रही है। नहीं सर, 200 बोला, 246 0.04 04 ये रुपीज आ गया भैया, इस तरह से आएगा। चलिए अब प्रोपेचुटी पे आ जाओ। प्रोपेचुटी भी एक तरह की एनिटी है। ये भी एक तरह की एन्यूटी है। इसमें क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट्स बिगिन ऑन अ फिक्स डेट एंड कंटिन्यू
इनडेफिनेटली, भाई एक टाइम पे चालू होगा और इनडेफिनेटली मतलब इनफिनिट इस तक चलता जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेचुटी बोलेंगे। फिर मैंने आपसे बोला प्रोपेचुटी की दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये है कि वैल्यू ऑफ प्रोपेचुटी इज फाइनाइट। आपको लगे कि सर इनफाइनाइट ईयर तक मिलेगा तो इनफाइनाइट रुपीज मिलेंगे, नहीं, तो वैल्यू ऑफ प्रोपेचुटी इज फाइनाइट। अब वो फाइनेट क्यों है, क्योंकि जो फ्यूचर में आपको जो पैसा मिल रहा है, फ्यूचर में जो पैसा मिल रहा है, बिकॉज रिसिप्ट्स डेट आर मेड डेट आर एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर, रिसिप्ट्स डेट आर एंटिसिपेटेड इन द फ्यूचर हैज लो प्रेजेंट वैल्यू, बहुत छोटी प्रेजेंट वैल्यू होती है, बहुत कम प्रेजेंट वैल्यू होती है। जो पैसा बाद में मिलेगा, 10 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उसकी आज के टाइम पे कीमत बहुत कम होगी, इसलिए इसको हम फाइनाइट बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल कभी भी आपको रीपे नहीं होगा। भैया आपने सोचा कि मैंने इतना जमा करवाया तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल इज नेवर रिपीट, प्रिंसिपल इज नेवर रिपीट। अब इसमें क्या होता है कि एक तो होता है मल्टी पीरियड प्रोपोचिटी, मल्टी पीरियड प्रोपोचिटी, मल्टी पीरियड प्रोपोचिटी में जो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी वो आती है आर अपॉन आई। आर मतलब जो भी रिसिप्ट आपको मिल रहा है और आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टी पीरियड प्रोपोचिटी। जैसे एग्जांपल के लिए आपको 50,000 रुपए पर मंथ चाहिए, तो जैसे हम बोल रहे हैं मिस्टर एक्स वांट्स टू रिसीव 50,000 पर मंथ, ही वांट्स टू पे, ही वांट्स टू पास दिस मंथली इनकम या दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन। इफ इंटरेस्ट रेट इज 6% पर एनम, हाउ मच ही विल डिपॉजिट नाउ, हाउ मच मनी He will deposit money. कितना पैसा वो जमा करवाए कि 50,000 रुपए हर साल हर महीने मिल जाए, 50,000 रुपए हर साल मिल जाए, हर महीने मिल जाए। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आई निकालोगे बेटा, आई क्या हो गया आपका 6/1200, बताइए आई कितना हुआ, 6/1200 0.005। अभी मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोपर्टी आर अपॉन आई, 50,000 रुपए चाहिए आपको, आई आ गया 0.005, निकाल के बताइए कितना आ रहा है, 10 लाख। पक्का 10 लाख आ रहा है कि 1 करोड़ आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है सर, 1 करोड़। हाँ मृदुल,
एक करोड़ हो गया, मतलब वो आपको 1 करोड़ रुपए जमा करवाएगा अभी, तो हर साल 50,000 रुपये मिलेंगे कब तक, इनफाइनिटी। तो दिस इज मल्टीपीरियड प्रोपोर्चिटी। क्लियर है? बोलिए क्लियर है। यस सर। अब एक होती है ग्रोइंग प्रोपोर्चिटी। ग्रोइंग प्रोपोर्चिटी, ग्रोइंग प्रोपोर्चिटी में क्या होता है, आपको पेमेंट चाहिए बढ़ा हुआ, ये प्रेजेंट वैल्यू होती है, आर अपॉन आई माइनस जी। मतलब आप मैं चाहते हो कि हर साल आपको, जैसे जो भी हर पीरियड में आपको इतना रुपए इतना परसेंट बढ़ के मिले, तो वो ग्रोइंग प्रोपोर्चिटी मिलती होती है। जैसे क्वेश्चन, अज्यूमिंग डेट डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव रुपीज 10,000 एवरी ईयर ग्रोइंग एट 4% पर एनम एनुअली, और आप जानते हो कि हर साल 4% बढ़ के मिले, तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा बेटा वो होगा आपका, क्योंकि एनुअली है तो 10,000, तो ऊपर 0.07 माइनस 0.04 निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है, 0.07 माइनस 0.04 क्या आ रहा है, कितना आ रहा भाई बताइए, 3,33,333। 3,33,333। इतना पैसा आज जमा कराओगे तो हर साल 10,000 रुपये मिलेगा, और चार अगले से हर साल 4% बढ़ के मिलेगा, 4% बढ़ के मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, तो हो गया भाई ग्रोइंग प्रोपोर्चिटी और मल्टी पीरियड प्रोपोर्चिटी। इसके बाद आता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब यदि मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है आपका, यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट कैश इनफ्लो माइनस नेट कैश आउटफ्लो, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ये कहलाएगा आपका नेट प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू। या ये भी बोल सकते हो कि टोटल नेट कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यदि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा भैया, कि चलो अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो एक्सेप्ट द प्रपोजल। लेकिन यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका लेस देन 0 आ गया, तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट द प्रपोजल। ऐसा हुआ तो बस थ्योरी है अभी, तो ये थ्योरी याद रखो बस, क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आएंगे इसमें। फिर इसके बाद आएगा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न।
नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है या रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलो आप, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मत भाई, रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है आपका, रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है आप क्या करोगे, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो भी चल रहा है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, तो ये आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न होगा। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसमें जितना भी इन्फ्लेशन हो रहा है वो हटा दीजिए आपका, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। और लास्ट इसमें थ्योरी में है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। भाई आपको ये पता करना है कि कोई भी प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसका सीएजीआर निकाल दीजिए। ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है बेटा, सीएजीआर होता है वीटीएन मतलब वैल्यू ऑफ वैल्यू एट द एनथ ईयर, वैल्यू इन द स्टार्टिंग ईयर की पावर वन अपॉन टीएन माइनस टी जीरो माइनस वन, दिस इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इससे पता लगता है कि भाई किस तरह से चल रहा है। तो ये था भाई आपका एनुटी और ये वाला पार्ट। अब कल आपका टेस्ट है, टेस्ट का टाइमिंग 2 से 4 रहेगा भाई, दिन में 2 बजे से 4 बजे, क्योंकि मैं चाहता हूँ हाँ जो आपका टाइम चल रहा है मतलब जो वहां पर टाइम रहेगा उसी टाइम पर लेगा, उसके लिए अगेन भाई मुझे लगता है कि जीसीए वाले तो सब आते हैं, मेफ वाले ही ज्यादा थोड़े से होशियार है, तो उनसे तो पूछना पड़ेगा कि भाई आप पधारोगे कि नहीं पधारोगे, नहीं तो जीसीए वाले तो सारे आते हैं टेस्ट देने के लिए। आएंगे ना सर, आएंगे। नहीं तू तो आएगा बेटा, बाकी कहाँ आते यार, बाकी तुम बाकी सब्जेक्ट में नहीं आ रहे, तुम देखो ना तुम्हारा अकाउंट से कितने जने उन्होंने टेस्ट दिया, तेने देखा था ना उस कल तू था कि नहीं था? हाँ सर 10-15 बच्चे थे सर। फिर ऐसे थोड़ी काम, 35 बच्चों में से 10-15 बच्चे आ रहे हैं और कैसे काम चलेगा है? क्या पता क्या सोच के बैठूं मैं। चलो जो भी है ठीक।